हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज ना बड़ा एक हादसा हो गया मेरे साथ, और वो क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगी भी और प्लस दिखाऊंगी भी कि हादसा क्या हुआ था। मैं आज इतना ज़्यादा डर गई, मैंने मतलब ज़िंदगी में मैं कभी इतना नहीं डरी थी, इतना मैं आज डर चुकी हूँ। तो आज मेरे साथ इतनी भयानक दर्दनाक बोल सकते हो आप, इतनी ज़्यादा मतलब बड़ी वाली बात हो गई। और ऐसा होता है कि हमें जब पता होता है ना तो हम सेफ रहते हैं, और जब हम मतलब बिना हमें कुछ पता नहीं है और हम ऐसी कुछ ऐसे कुछ हादसे से ये हो जाए, रूबरू हो जाए, तो हमारे मतलब रूह कांपने लगती है ना। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो गया, अनजाने में मेरे साथ इतना बड़ा मतलब ये हो गया ना, आज मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ही ज़्यादा मैं डर गई थी। इतना डर गई जितना मैं मतलब मेरी अब तक की लाइफ में मैं इतना कभी भी नहीं डरी थी, इतना ज़्यादा डर गई मैं। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। तो मैं ना अभी ये जो कबर्ड्स के ऊपर मैंने ये रखा है ना, एक मतलब मैंने छोटी सी पन्नी रखी हुई है, जो बोरी आती है ना गेहूँ चावल वगैरह उसकी, तो उसी के ऊपर मैंने कबर्ड्स के ऊपर वो रख दिया है ताकि डर्ट्स वगैरह ना हो। बट 15 या 20 डे के अंदर तो हो ही जाता है डर्ट्स वगैरह, तो मैं सोच रही थी कि इसे क्लीन कर लूँ। तो बस मैं क्लीन करने में लगी थी, और यहाँ पर ना वो जो ये होती है ना मेडिसिन वगैरह बच्चों की, तो मैं वो जो होती है ना मेडिसिन वगैरह बच्चों की, तो वही को मैं मतलब डेड बार वगैरह देख के और फिर फेंक रही थी, क्योंकि जो काम की नहीं है वो ऑब्वियसली हमें फेंक देना चाहिए। और ये टी शर्ट मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि ऊपर इतना मतलब 10-15 दिन में ही इतना ज़्यादा डस्ट हो चुका था, तो मैंने उसे पूरा टी शर्ट मतलब इतना बड़ा टी शर्ट था फिर भी इतना गंदा हो गया, क्या ही बताओ। उसके बाद मैंने कबर्ड्स वगैरह जो है ना वो क्लीन कर ली अच्छे से, और मॉर्निंग में मेरा क्लीन तो मतलब क्लीनिंग तो बहुत होता है, बट ऐसा होता है ना कि रोज़ रोज़ तो हम क्लीनिंग वगैरह नहीं दिखा सकते हैं ना, तो कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश होती है मेरी। तो मेरे साथ क्या हादसा हुआ था वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। ये देखिए हस्बैंड जी ने ख्याल आया है आज, किस किस को इसका नाम पता है मुझे कमेंट्स में बताना। हमारे यहाँ पर ना इसे डोंगराची काली मैना बोलते हैं, ये देखिए। तो मैं इसे खाऊंगी, मेरा सोमवार है ना। यम्मी, एकदम मीठी। हे खायला तो चांगले लागतात, पण आज बी तोंडा दे दे। मेहंदी देखिए, मेहंदी मस्त रंग चुकी है, यहाँ पर बैठ के खाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो पेड़ है ना कनेर का पौधा, ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा फैल चुका था, इसकी जो नेट लगी हुई थी ना उसमें से ये सारे बाहर निकल के आ रहे थे, ये देखिए एक्स्ट्रा वाले, तो जो बाहर निकल के आ रहे थे ना वो उनको मेरे हस्बैंड जी ने तोड़ दिया, क्योंकि वो ना नेट के अंदर से मतलब वो जो छेद होते हैं नेट में उसके अंदर से बाहर निकल के और ये हो रहा था, तो उसे तोड़ दिया। और ये देखिए खुशी, देखिए खुशी बहुत ज़्यादा मतलब ये करती है बदमाशी, ये देखिए किसके अंदर घुस गई, नेट के अंदर। तो हमें ना इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो हम जा रहे हैं, मेरी भाभी है, मेरे भाभी के पिताजी का डेट मतलब डेट हो गया, तो उनके जाते हैं ना मतलब
कोई अगर गुजर जाता है तो वहाँ पर जाना पड़ता है ना, तो वहीं जा रहे थे। तो ये हमारे यहाँ पर ना रास्ते में तापी मैया आती है नदी, तो यहाँ पर हम जो हमारे घर में फूल वगैरह जो भगवान जी को चढ़ाते हैं, वो जो निर्माल्य बोलते हैं हमें, जो बासी फूल होते हैं ना, उनको हम फेंकते नहीं हैं। एक छोटी सी मतलब थैली में या तो फिर किसी भी इस बैग वगैरह में स्टोर करके रखते हैं, और उसके बाद हम इकट्ठा हो जाने के बाद अगर हमारा कहीं जाना आना हो गया तो हमारा जाना उसी नदी के ऊपर से ही होता है, तो हम नदी में विसर्जन कर देते हैं। तो बस हम जा रहे थे और वहाँ का मैंने कुछ शूट नहीं करा बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा भयानक था वहाँ। कुटा गेला, तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कुछ मेरे साथ आज क्या हादसा हुआ वही। तो ये है वो सांप जो कि आज मेरे हाथ में आ गया था डायरेक्ट, मतलब हाथ में। आप सोच सकते हो कि क्या हुआ होगा, मेरी कंडीशन क्या रही होगी उस टाइम जब ये मेरे हाथ में आ गया होगा। तो ये ना, ये देखिए ये पिंक कलर की जो थैली आप लोगों को दिख रही होगी ना, तो ये उसी थैली में था। और रात में ना हमारे घर एक मेरे हस्बैंड जी है, उनके पहचान वाला एक लड़का है, तो वो लड़का है ना हमें शादी का कार्ड देने आया था, उसकी बहन की शादी थी। तो वो छोटे मोटे सांप ऐसे पकड़ लेता है और थैली में भर के और फिर उन्हें जंगल में छोड़ देता है। तो उसके बाइक से ना ये थैली गिर गई थी पिंक कलर की, और वो थैली हमें मतलब रात में नज़र नहीं आई, पर जब मैं मॉर्निंग में उठी और झाड़ू लगाने लगी ना, तो ये पिंक कलर की थैली, तो मुझे लगा यार ये थैली किसकी पड़ी होगी, और उसे बांध के रखा था। तो मैंने सोचा कि इसमें क्या है देखते हैं, तो मैंने उस थैली को पकड़ा, हाथ से इसे दबा के चेक करा, फिर मुझे थोड़ा सा डाउट आया भाई इसके अंदर है क्या। डाउट ये नहीं आया कि इसके अंदर सांप होगा, बट मुझे लगा इसके अंदर कुछ तो चीज़ है। तो मैंने उसको ना रबर बैंड से अच्छे से पैक करा हुआ था, तो मैं उसका रबर बैंड वगैरह ऐसे खोला, और खोलते ही जैसे मतलब मैंने वो थैली का ऐसा जो उसका ओपन होता है ना वहाँ से ऐसे ओपन करा, तो वो जो सांप है ना वो इतने ज़ोर से मतलब मुंडी निकाल के ऐसे बाहर आया ना, तो मैंने ज़ोर से फेंक दिया और इतनी ज़्यादा डर गई कि मैं क्या ही बताऊँ यार। खुशी के लिए ये स्कूल यूनिफॉर्म लाए हैं, ये देखिए उसके स्कूल में ना ये वाला यूनिफॉर्म चलता है। ये टॉप है, ये चुन्नी, और ये नीचे पैंट। तो इसे ना स्टिच करना होगा, मीन्स की सिलाई डालनी होगी, इस पर कच्ची सिलाई आती है ना तो वो निकल जाती है। तो ये इतना मतलब छोटी बच्ची का जो स्कूल यूनिफॉर्म है ना वो 700 रुपये का आया, कितनी महंगाई है यार। क्या लोग कमाएंगे, क्या रखेंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। देखिए ये इतना सा, और तो स्कूल की फ़ीस भरना है, बुक्स के पैसे, नोटबुक्स के पैसे, सभी मतलब अभी तो पे करने बाकी है। स्कूल ओपन हो गई आज, कल पहला दिन था, आज नेक्स्ट डे तो चालू हो गया अभी। सो आज का वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक था। खुशी यहाँ पर अपने बुक्स को कवर वगैरह लगा रही है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से कमेंट्स में बताना, मैं तो डर गई थी। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।